नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु संबंधित जानकारी की इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी देंगे पश्चिम दिशा के वास्तु के संबंध में। वैसे तो वास्तु के अनुसार दिशा के मामले में सबसे पहले उत्तर और दूसरे नंबर पर पूर्व दिशा है, तीसरे नंबर पर पश्चिम आता है, लेकिन गलतफहमी होने के कारण अक्सर पश्चिम मुखी घरों को अशुभ माना जाता है। जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह समझना जरूरी है कि पश्चिमुखी घरों की ऊर्जा का फायदा कैसे ले सकते हैं ताकि वह मकान मालिकों के लिए समृद्धशाली भरा साबित हो। घर में सफलता सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत करने के लिए घर के खरीदार अवश्य ऐसी पसंद बना सकते हैं जो सुनने में अजीब लग सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को सिर्फ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग बेडरूम का, फिर ईस्ट में बच्चों का कमरा चाहिए। इतना ही नहीं, पश्चिम मुखी घरों को कम तवज्जो दी जाती है क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता है, जो कि एक आम मान्यता है। जबकि हम वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप घर की ऊर्जा का सही तरह से उपयोग करें तो यह दिशा भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर घर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर हो तो उसे पश्चिम मुखी घर कहा जाता है। वास्तु के अनुसार यदि पश्चिम मुखी घरों में मुख्य द्वार थोड़े उत्तर या पश्चिम या बीच में होने चाहिए, साउथ वेस्ट दिशा में कभी भी मेन दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक 9 बराबर हिस्सों या पाड़ा में लंबाई को विभाजित करते हो, जिसमें पहला पाड़ा नॉर्थ वेस्ट, नवां पाड़ा साउथ वेस्ट, पांचवां छठवां पाड़ा मेन डोर के लिए सबसे सुंदर और उत्तम स्थान है। घर के मालिकों को सातवां आठवां नवां पाड़ा एंट्रेंस के लिए पूरी तरह नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि यह राक्षसी ऊर्जा का कोना माना जाता है। पश्चिम मुखी घरों में कमरों की जो पोजिशन है, पश्चिम मुखी घरों में बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में हो सकता है, जबकि मेहमानों का कमरा नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। वास्तु के मुताबिक पूजा घर लिविंग रूम घर के उत्तर पूर्व हिस्से में होना चाहिए क्योंकि यह सबसे ज़्यादा शुभ कोना माना जाता है। मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण की दिशा सबसे अच्छी है। अगर आपका मल्टी स्टोरी घर है तो मास्टर बेडरूम टॉप फ्लोर पर होना चाहिए। किचन के लिए साउथ ईस्ट अग्निकोण कॉर्नर को तवज्जो देना चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन पूजा घर के ऊपर या नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। पश्चिम मुखी घरों के लिए वास्तु के जो जरूरी टिप्स हैं वह ऐसा है, ऐसा प्लॉट न लें जो साउथ के मुकाबले नॉर्थ में ऊंचा हो। हालांकि जिस प्लॉट में साउथ से नॉर्थ की ओर ढलान होता है उसे शुभ माना जाता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में बोरवेल या वाटर पंप न लगवाएं। ऐसा फ्लैट न खरीदें जिसका साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन हो, बढ़ा हुआ हिस्सा हो। साउथ और वेस्ट कॉर्नर की दीवारें ईस्ट और नॉर्थ के मुकाबले मोटी और ऊंची होनी चाहिए। घर में दरवाजे और खिड़कियों की कुल संख्या समान होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में डाइनिंग रूम, ओवरहेड पानी की टंकी, बच्चों के कमरे, स्टडी रूम और टॉयलेट के लिए यह दिशा अच्छी है। मित्रों, आज हमने आपको जानकारी दी पश्चिम दिशा के संबंध में कि पश्चिम दिशा में सकारात्मक ऊर्जा को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पश्चिम दिशा हमेशा खराब होती है, तो मेरा आपसे निवेदन है यह जानकारी आपको कैसे लगी। मित्रों, मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी कड़ी में हम बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।